हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका चैनल में। जैसे कि हम इस फ्लैट की बात कर रहे थे, अब हम आ गए हैं इस फ्लैट के अंदर। चलिए दिखाते हैं आपको ये फ्लैट, बताते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है। बात कर लेते हैं एंट्री डोर से ही। ये हो जाती है आपकी बढ़िया सी एंट्री डोर। हाइट तकरीबन 8 फुट आ जाती है इसकी। देखेंगे तो ये पूरा ब्राउन कलर में ही बनाया गया है, काफ़ी अच्छा दिखता है ये। ब्लॉक फिटिंग्स अगर आप ये देखें तो आपको ये मेटेलिक कलर्स में ही आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप वॉल्स की बात करोगे दोस्तों, तो वॉल्स को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है। अगर आप इस मेन वॉल की बात करोगे तो वॉल को बहुत अच्छे से बनाया गया है। इस वाले वॉल को भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे से इसको क्राफ्ट किया गया है। तो दोस्तों, जैसे कि हम फ्लैट की बात कर रहे थे, 1400 स्क्वायर फिट में ये फ्लैट बना हुआ है। 3 बेडरूम्स आ जाते हैं, 2 वॉशरूम्स देखने को मिल जाते हैं। जो दो आपके दो आपके बेडरूम्स आने वाले हैं, फ्रंट फेसिंग होने वाले हैं, ये तकरीबन आपके नॉर्थ फेसिंग हो जाते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको मिलवाते हैं इस फ्लैट से, 1400 स्क्वायर फिट में क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो ये हो जाता है लिविंग रूम। लिविंग रूम की अगर हम साइज की बात करें दोस्तों, तो इसका जो साइज आने वाला है तकरीबन 20 बाय 10.5 स्क्वायर फिट का एक अच्छा साइज आने वाला है। इसी में आपको ये बढ़िया सा आपको फॉल सीलिंग के साथ में काम किया हुआ पूरा आपको मिल जाता है। ये देखिए ऊपर शैंडेलियर अच्छा दिखाई देता है, लाइट्स काफ़ी अच्छी दिखती हैं इसमें। वॉल्स तो आप मैंने जैसे आपको बताया कि अच्छे से हाईलाइटेड है। इसी में आपको आपका टीवी वॉल आपको क्रिएट करके दिया गया है जो कि बेहतरीन दिखता है। तो दोस्तों अगर इसमें आपको ये लगा लें 5 सीटर 7 सीटर से भी ज़्यादा सोफ़ा है, तभी भी आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अभी देखिए मैं आपको जज कराता हूँ। ये देखिए मैं इतनी दूरी पर हूँ, एरिया आप जज कर सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा एरिया मिलने वाला है इसमें आपको। उसकी डेप्थ भी अच्छी आ रही है, तो ये अच्छा स्पेशियस होने वाला है। चलिए दोस्तों अब यहाँ से बढ़ चलते हैं। इसका जो पहला ही सेक्शन आपको देखने को मिलेगा लिविंग रूम से राइट साइड में, ये हो जाता है इसका पहला बेडरूम। तो दोस्तों ये है इसका पहला बेडरूम। अगर हम इसके साइज की अगर हम बात करें तो इसका साइज तकरीबन 11.5 बाय 10 स्क्वायर फिट का आने वाला है। इसमें भी अगर आपका साइज अच्छा है, इसमें अगर आप अपने बच्चों के लिए अपना कुछ बेड लगाते हैं या वार्डरोब लगाते हैं, तभी भी आपको स्पेस की कोई दिक्कत होगी नहीं। इसे वॉल को अच्छे से हाईलाइट किया गया है, ये देख सकते हैं आप, इसमें टेक्सचर पेंट किया गया है जो कि काफ़ी बेहतरीन दिखता है। वेंटिलेशन की कोई इशू होने वाली है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर विंडोज दिए गए हैं, यहाँ से आपको एयर मिलती रहेगी और यहाँ से सनलाइट भी आपको मिलती रहेगी। अभी अगर हम टाइम देखें तो तकरीबन 5 बज रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉपर इस रूम में बाहर से अच्छी रोशनी आ जाती है। तो वेल वेंटिलेटेड तो रहने ही वाला है, वेल लिट रहने वाला है, अच्छी सनलाइट इसमें आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इसके बिल्कुल बगल में आ जाता है, ये हो जाता है आपका कॉमन वॉशरूम। ये भी आपको डीप वॉशरूम बनाया गया है, डीप टॉयलेट है। ये देखिए इसमें सबसे पहले आपको यहाँ वॉश स्टेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कॉमोड देखने को मिल जाएगा जो कि ब्रांडेड है, और उसमें जो भी फिटिंग्स लगी है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लगी हुई है। साइज काफ़ी अच्छा निकल के आने वाला है इस वॉशरूम का, और काफ़ी अच्छी चीज़ें इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया लिविंग रूम, तो पहला बेडरूम, कॉमन वॉशरूम। अब चेकआउट कर लेते हैं रेस्ट ऑफ द एरियाज। तो दोस्तों अब जैसे ही यहाँ से हम इसके बिल्कुल बगल में पैरेलल देखें तो यहाँ पर आपको किचन देखने को मिल जाता है। लेकिन किचन से पहले ये देखिए, एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए तो जगह बनाई गई है, या इसमें अपने शोपीस रख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया दिखता है। जगह का यूटिलाइजेशन काफ़ी अच्छे से किया गया है। किचन आपके ओपन कॉन्सेप्ट में ही आ जाता है, कोई इसमें आपको गेट देखने को नहीं मिलेगा, कोई डोर है नहीं। ये आपका एल शेप में किचन होने वाला है। किचन भी अच्छा खासा स्पेशियस है आपका। अगर किचन के साइज़ की बात करें तो 12 बाय 7 स्क्वायर फिट का एक बढ़िया साइज मिल जाता है। ऊपर देखेंगे तो ये आपका ब्लैकिश स्टोन में स्लैब देखने को मिल जाता है एल शेप में। किचन के जितने भी दोस्तों ये ड्रॉवर्स हैं और ये जो कपबोर्ड्स हैं, इन सबको ये आप लगा लीजिए तकरीबन ये ग्रेश वाइट और ग्रेश स्टोन में इसको क्रिएट किया गया है। क्वालिटी ऑफ वुड अच्छी लगाई गई है। यहाँ पर आपको चिमनी सेक्शन देखने को मिल जाता है, नीचे कुक टॉप लगाएं, ऊपर चिमनी लगाएं और बढ़िया सा फूड बनाएं। ये मॉड्यूलर किचन होने वाला है, तो फिटिंग्स इसमें सारी आपको अच्छी देखने को मिलेंगे। एक्सट्रीम राइट साइड पर दोस्तों यहाँ पर आपको डिश वॉश के लिए सिंक एरिया देखने को मिल जाता है। यहाँ से भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ये पूरा प्रॉपर विंडो दिया गया है वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ से आपको प्रॉपर सनलाइट भी मिलती रहेगी। किचन इतना स्पेशियस है कि अगर आप इसे 2 से 3 लोग यूज़ कर रहे हो तभी भी आपको दिक्कत होने वाली है नहीं। चलिए दोस्तों अब हम चेक कर लेते हैं इस फ्लैट का दूसरा बेडरूम। अब ये दूसरा और तीसरा बेडरूम रह गया है दोस्तों, जो कि अब ये फ्रंट फेसिंग में आने वाले हैं। पहले दूसरा बेडरूम चेक कर लेते हैं। ये हो जाता है दूसरा बेडरूम। इसे भी देखें तो यहाँ पर आपको ये प्रॉपर विंडोज़ दी गई हैं,
जाली लगी हुई है, बीच में ग्रिल लगी हुई है, उसके बैक में शीशा लगा हुआ है, तो प्रोटेक्शन तो इसमें अच्छी मिलने ही वाली है आपको। और यहाँ से आपको प्रॉपर आपको सनलाइट भी मिलेगी, और ये आप बोलते हैं तो प्रॉपर वेंटिलेशन हवा आपको मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको एक कबर्ड देखने को मिल जाता है, सॉरी वार्डरोब देखने को मिल जाता है, ये पूरा आपके दीवार के अंदर ही बना हुआ है, तो आपकी कोई ज़्यादा जगह घेरेगा नहीं, जगह इसमें आपको अच्छी मिलने वाली है। अगर इस बेडरूम की अगर हम साइज़ की बात करें दोस्तों, तो साइज़ बहुत अच्छा निकल के आएगा इसका, 14x11 स्क्वायर फीट का एक बहुत अच्छा साइज़ निकल के आने वाला है। आपका किंग साइज़ बेड बड़े प्यार से इसमें आ जाएगा, और आपको चलने में भी दिक्कत नहीं होगी, वॉकिंग स्पेस आपको प्रॉपर मिलने वाली है। इस वाले वॉल को दोस्तों यहाँ पे इसको हाईलाइट किया गया है, काफ़ी अच्छा लगता है। ऊपर फॉल सीलिंग का भी काम इसमें काफ़ी अच्छा दिखता है, ऊपर वाली वॉल को भी अच्छे से हाईलाइट किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं इसके आखिरी सेक्शन की तरफ, जो है इसका आखिरी बेडरूम, चलिए इसको चेकआउट कर लेते हैं। दोस्तों तो ये हो जाता है इस फ्लैट का आखिरी बेडरूम। बेडरूम की अगर हम साइज की बात करें तो साइज इसका तकरीबन वही 14x11 स्क्वायर फीट का एक बढ़िया साइज आने वाला है। ये देखिए आप जज कर सकते हैं, कैमरा से मैं इतने दूरी पर हूँ, ये देखिए साइज बहुत अच्छा आने वाला है। वार्डरोब लगा हुआ है 14x11 का साइज, मतलब दोस्तों आप यहाँ पे अपना किंग साइज बेड लगाएं तभी भी कोई दिक्कत परेशानी होने वाली है नहीं। ब्राउन टोन में दोस्तों इसमें आपको ये वार्डरोब देखने को मिल जाएगा, जो कि स्लाइडिंग डोर के साथ में ये आ रहा है। फुल फ्लैज इसकी हाइट हो जाती है, तो आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। अगर घर में लेडीज हैं तो उनके तैयार होने के लिए तो जगह चाहिए, तो यहाँ पर इसका भी ख्याल रखा गया है। यहाँ पर आपको ड्रेसिंग एरिया थोड़ा सा दिया गया है, मिरर लगा हुआ है, तो आपको कोई अलग से इंस्टॉल कराने की ज़रूरत है नहीं। इस रूम की USP एक और है दोस्तों कि आपके अटैच आपके वॉशरूम के साथ में आने वाला है। एक बार आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं, वाइट टोन में इसके जो टाइल्स लगाए गए हैं, तो अभी इसमें थोड़ा सा मल्टी कलर टाइल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। थोड़ी बहुत उसमें भी सैनिटरी फिटिंग का काम रहता है, सॉरी बाथ फिटिंग का काम रहता है, एक बार वो लग जाए तो ये और अच्छा दिखने वाला है। तो दोस्तों ये तो हमने पूरा घर चेक कर लिया, अब जो रह जाता है इसका आखिरी सेक्शन वो है इसका बालकनी, वो चेकआउट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है इस बेहतरीन 3BHK फ्लैट का बेहतरीन सा बालकनी। बालकनी भी आपको इसमें काफ़ी स्पेशियस मिलने वाला है, वाइड बालकनी मिल जाएगी इसमें आपको। बालकनी के साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो उसका जो साइज़ आने वाला है 15.5x6 स्क्वायर फीट का एक बढ़िया साइज़ आने वाला है। इसमें अगर अपने चेयर्स लगाए, अपने दोस्तों के साथ यहाँ टी इन्जॉय करें, बारबेक्यू बनाएं, इसमें मज़ा आने वाला है। अगर आप इसमें भी देखें दोस्तों उसकी USP मैं बताता हूँ, जैसे कि इसमें भी देखिए इन वॉलों पर भी ना दोस्तों टाइल्स का काम किया गया है। इससे फ़ायदा क्या होता है, जैसे बारिश हो रहा है कुछ भी है तो कोई बहुत ख़राब नहीं होंगी, यहाँ पे कभी आपके सीलन सीटें की दिक्कत नहीं आएगी, जो कि बारिश से आमतौरों पर घर पे ख़राब हो जाते हैं, जो बालकनी के जो वॉल्स होते हैं ख़राब होने का डर होता है, लेकिन यहाँ पर आप बच जाते हैं। दूसरी USP बताऊँ दोस्तों, ओपन टू स्काई आपको ये मिलने वाला है बालकनी। ये देखिए यहाँ पर आगे कोई बड़ी चीज़ें नहीं आ रही हैं, यहाँ से आप देखते हैं तो आपको पूरी प्रॉपर आपको सनलाइट तो मिलेगी, वेंटिलेशन आपकी अच्छी हो जाती है और प्रॉपर व्यू आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा फ्लैट जो कि 1400 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। प्राइसिंग आ जाती है तकरीबन 95 लाख, जो कि नेगोशिएबल है। एक बार ही आएँ बैठें, अगर पसंद आता है तो अच्छे से नेगोशिएट करें, बहुत अच्छे से नेगोशिएट करें। अगर मन बनता है तो आपसे परचेज भी कर सकते हैं। अगर हम इसमें कुछ USPs की बात करें दोस्तों, वो हो जाती है कनेक्टिविटी। NH24 दोस्तों यहाँ से तकरीबन ये लगा लें 500 मीटर की दूरी पर आपको NH24 देखने को मिल जाएगा। अगर हम वैशाली मेट्रो स्टेशन की बात करते हैं तो 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको वैशाली मेट्रो स्टेशन देखने को मिल जाता है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन बस स्टेशन आपको 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिल जाते हैं। आपका सेक्टर 62 में अगर दोस्तों अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो भी बहुत नियर अबाउट हो जाता है, ईजी कनेक्टिविटी है। दिल्ली नोएडा से आप वेल कनेक्टेड रहने वाले हो। अगर बच्चे हैं स्कूल्स देख रहे हैं तो DPS इंदिरापुरम कैम जो आपका इंदिरापुरम पब्लिक स्कूल हो गया, DPS हो गया, कैम्ब्रिज हो गए, और जो बेहतरीन स्कूल है सेंट टेरेसा से लेके बेहतरीन स्कूल नियर बाय एरिया में ही देखने को मिल जाते हैं। बच्चों के लिए पार्क्स भी अवेलेबल हैं नियर बाय एरिया में ही। अगर हम बात करें आपके घर में शॉपिंग, अगर लेडीज़ को शॉपिंग करनी है, मार्केट प्लेसेस की भी कोई कमी नहीं है, आप ग्रॉसरी के लिए आप डीमार्ट जा सकते हैं, सब नियर अबाउट में ही है। तो चलिए दोस्तों ये था हमारा फ्लैट जो हम आपके लिए लेके आए थे। मेहनत करते रहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम आप तक पास ऑन कर पाएँ जी। और दोस्तों ये बिल्कुल GDA अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ही है,
आपको उसमें लोन और किसी चीज़ की कोई दिक्कत होगी नहीं। तो दोस्तों ये था हमारा फ्लैट जो हम आपके लिए लेके आए थे। कैसा लगा फ्लैट बिल्कुल हमें कमेंट्स में लिख के बताएं, क्या खासियत लगी, क्या खामियां लगी वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कुछ भी सजेशंस है वो आप बिल्कुल हम तक पास ऑन करें। अगर इस प्रॉपर्टी को विजिट करना चाह रहे हैं तो नंबर तो डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करें। जितनी भी क्वेरी आप लेना चाहते हैं दोस्तों बिल्कुल नंबर पर कॉल करके आप क्वेरी ले सकते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन लें उतना ही अच्छा है। विजिट करें, चेकआउट करें। चलिए दोस्तों, हाँ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, मेहनत बहुत करते हैं आपके लिए, थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे तो मोटिवेशन बढ़ता रहता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी और नए फ्लैट में, किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।